तो हाय गाइस, मेरा नाम हरीश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पास बजे स्टोरीज बाय हरीश। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं माल्टा के बारे में, क्या नई अपडेट्स हैं। तो आपको बनना है वीडियो में एंड तक, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम टेक ऑफ करते हैं। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, सेफ होंगे। तो गाइस, हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माल्टा के बारे में इन डिटेल। सबसे पहले हम बात करेंगे नेपाल के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे गाइस क्वेश्चन आए थे लास्ट वीडियो में नेपाल के बारे में। तो उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया के बारे में, वर्क परमिट जो भी सीन चल रहा है, और कौन कौन से अप्रूवल लेटर्स चाहिए, उनको कैसे लेना है आपको एम्बेसी से या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, आपको कैसे वो लेटर्स लेने हैं, मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा, आपको मेल आईडीज वगैरह दूंगा और फॉर्मेट वगैरह बताऊंगा क्या लिखना है आपको। उसके बाद कैसे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के बारे में, कि स्टूडेंट्स के बारे में भी एक अपडेट है जो माल्टा जाना चाह रहे हैं। तो गाइस, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेपाल के बारे में। गाइस, लास्ट वीडियो जो मैंने माल्टा पे बनाया था, उसमें काफ़ी सारे लोगों ने नेपाल के लिए कमेंट किया था। लाइक अगर उसमें 67 कमेंट्स थे, तो उसमें से 35 कमेंट्स नेपाल के बारे में थे। गाइस देखिए, नेपाल के बारे में मैंने बहुत रिसर्च की है, मैंने काफ़ी लिंक्स से पता किया है। नेपाल में अभी वर्क परमिट के लिए सेंटर्स ओपन नहीं है, वीएससी सेंटर्स ओपन नहीं है। उसके बाद मैं वीएफएस की वेबसाइट पे गया और मैंने वहाँ चेक किया, तो वहाँ लिखा आया दे आर टेम्प्रेरी क्लोज्ड, मतलब अभी नेपाल में तो ये सब ओपन नहीं है। अगर आप वेट कर रहे हैं कि सर पूरी तरह से नेपाल में वो ओपन होंगे, वैसे देखिए नेपाल का कोई सीन अभी कंफर्म नहीं है। 26 अप्रैल तक वहाँ सारी नॉन एसेंशियल जो सर्विसेज हैं उनको वो अभी प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। 26 अप्रैल के बाद अगर कोई अपडेट आती है तो मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा नेपाल के ऊपर, पर्टिकुलरली नेपालीज के लिए। अभी तो ये है कि नेपाल में तो सब बंद है। तो गाइस, ये तो हो गया नेपाल का। अब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में। गाइस देखिए, इंडिया के बारे में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5 कैटेगरीज के लिए, 4 या 5 कैटेगरीज है जिनके लिए अभी वीएफएस सेंटर ओपन है। सबसे मेन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस, सेकंड है हाई स्किल वर्कर, थर्ड है मेडिकल स्टाफ, फोर्थ है स्टूडेंट और फिफ्थ है वर्क परमिट। गाइस देखिए, इन 5 कैटेगरी के अलावा अगर आपको किसी कैटेगरी अप्लाई करना है तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेन 5 कैटेगरीज है जो अभी ओपन है। अब अगर इन कैटेगरी के लिए आपको अपना बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक करना है, तो उसके लिए आपको 2 इम्पॉर्टेंट लेटर्स चाहिए होंगे, 2 इम्पॉर्टेंट लेटर्स। फर्स्ट है अप्रूवल लेटर फ्रॉम हाई कमीशन ऑफ माल्टा, सेकंड एसपीएच अप्रूवल लेटर, एसपीएच लेटर है जो वो आपको चाहिए होगा, वो मिलेगा आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ माल्टा से। इन दोनों लेटर्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो फर्स्ट लेटर है वो है अप्रूवल लेटर फ्रॉम हाई कमीशन ऑफ माल्टा इन इंडिया, वहाँ पे आप वहाँ से आपको एक अप्रूवल लेटर मिल जाएगा। सिंपली उनकी एक मेल आईडी है, मेल आईडी बताता हूँ मैं, maltahighcommission.newdelhi@gov.mt, ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। यहाँ से आपको अपना जो अप्रूवल लेटर है वो मिल जाएगा। अब आप पूछते हैं सर इसमें क्या लिखना है, तो सिंपली आपको अपना पर्पस ऑफ विजिट वहाँ पर लिखना है, अपना पासपोर्ट नंबर, अपनी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी आपका इन्विटेशन नंबर है, जो भी आपको लगता है कि ये प्रूफ है मेरी माल्टा में विजिट करने का, वो आपको सारा मेंशन करना है। और ये मेंशन करना है एंड में कि काइंडली प्रोवाइड मी अप्रूवल लेटर, तो अप्रूवल लेटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब सेकंड जो वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये सुनिएगा, ये नया एक ऐड हुआ था अभी पिछले एक दो वीडियो में, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। ये है गाइस एसपीएच लेटर सुपरिटेंडेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो गाइस ये आपको मिलेगा माल्टा से, ये आपको माल्टा से ही मिलेगा। तो इसकी जो ईमेल आईडी है गाइस वो है covid19.vetting@gov.mt। इसमें भी सेम आपको अपना पर्पस ऑफ विजिट जो है सारा, कि हम आप किस लिए जा रहे हैं वहाँ पे, और आपका पासपोर्ट नंबर और जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपको लगता है कि लगाने चाहिए, जो एक वैलिड प्रूफ है आपकी वहाँ पे विजिट करने का, वो आप लगाइए और आप एंड में मेंशन कर सकते हैं काइंडली प्रोवाइड मी एसपीएच लेटर, तो भी आपको मेल पे रिसीव हो जाएगा। तो गाइस ये 2 जो लेटर्स हैं ये मेनली इंपॉर्टेंट हैं आपका अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले वीएफएस के अंदर। दोनों डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो गाइस ये तो होगी डॉक्यूमेंट की बात। अब बात करेंगे हम स्टूडेंट्स के बारे में, एक नई अपडेट आई है। गाइस देखिए, मैंने हाई कमीशन ऑफ माल्टा की वेबसाइट पर पढ़ा ये चीज़ कि जो स्टूडेंट्स हैं, कई स्टूडेंट्स पहले ही फीस पे कर रहे हैं अपने कॉलेजेस को अपना वीज़ा परमिट, स्टडी परमिट रिसीव होने से पहले। काफ़ी सारे ऐसे केस हुए हैं कि स्टूडेंट्स ने फीस पे कर दी, उनको वीज़ा मिला ही नहीं उसके बाद में। बस वहाँ एक बड़ी सी एक लाइन में लिखा हुआ था कि आपको अपना परमिट रिसीव होने से पहले अपने कंसर्न कॉलेज को, अपने कंसर्न इंस्टीट्यूशन को, अपने कंसर्न यूनिवर्सिटी को फ़ीस पे नहीं करनी है।
काफ़ी स्टूडेंट के साथ ही फ्रॉड हुआ होगा, काफ़ी स्टूडेंट के साथ ये जो कन्फ्यूजन है ये हुआ होगा, उन्होंने पहले ही फीस पे कर दी होगी और उसके बाद उनके पास वीज़ा रिसीव नहीं हुआ। तो ये एक अपडेट है, ये हाई कमीशन खुद कह रहा है कि आप पहले अपना परमिट रिसीव करें उसके बाद आप अपनी फ़ीस पे करें। फ़ीस पहले पे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको चाहिए तो उस न्यूज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन डाउन में दे दूंगा। अलावा गाइस, हाई कमीशन को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं स्टूडेंट कैटेगरी में, कि कई लोग फेक एडमिशन लेटर दिखा रहे हैं अपनी फाइल के साथ में। मतलब ऐसा एडमिशन लेटर दिखा रहे हैं जो यूनिवर्सिटी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है लेकिन वहाँ पे आपका कोई एडमिशन हुआ ही नहीं है। एक होता है जेन्युइन आप एडमिशन लेटर दिखाएं, तो ऐसा वहाँ कई केस में देखने को नहीं मिला है, फेक एडमिशन लेटर लोग दिखा रहे हैं। तो गाइस, माल्टा हाई कमीशन की वेबसाइट पे यही भी मेंशन है कि आपको अपना फेक एडमिशन लेटर नहीं दिखाना है, जो भी जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है वही लगाइए ताकि आपका और हमारा दोनों का समय बचे। तो गाइस, ये कुछ अपडेट्स थी जो मैं आपको देना चाहता था, कि अगर डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर आपको फाइलिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम VFS का जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे बुक करें तो भी आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कर सकते हैं, और अगर किसी और कंट्री के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो मैंने दी है सारी एक वैलिड और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जब भी आपको इन्फॉर्मेशन देने की बात आती है तो मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ, मैं काफ़ी लिंक से पता करने की कोशिश करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है, करेक्ट है या नहीं, और एक वैलिड वेबसाइट के थ्रू आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। तो गाइस, यही है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है एकदम जेन्युइन है और आप उस पर बिलीव कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और गाइस अगर आपका कोई सवाल हो ना तो आप इंस्टाग्राम पर भी पूछ लिया करो, इंस्टाग्राम मेरा हैंडल ये है और मेल आईडी मेरी ये है, तो आप इन दोनों हैंडल्स पर भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर सपोर्ट दूंगा। कई लोग जॉब के बारे में पूछते हैं, अगर चाहते हो जॉब के लिए वीडियो बनाना तो मैं जॉब के लिए भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा जिसमें लेटेस्ट जॉब्स अपडेट आती रहेंगी माल्टा की, लेकिन गाइस इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। फिर भी अगर आपको जॉब के रिगार्डिंग कोई अपडेट्स वगैरह चाहिए हो तो आप इस मेल आईडी पे मुझे पूछ सकते हो कि सर मुझे इस तरह की जॉब चाहिए, और मैं एक कोशिश करूँगा एक अच्छा सा बड़ा सा वीडियो आपके लिए बनाऊँ जो भी मेरे इंडिया से देख रहे हैं या नेपाल से देख रहे हैं उनके लिए, ताकि आपकी हेल्प हो सके। ये था आज का वीडियो, अगर आज के वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें तो मिलता है मोटिवेशन और आपको मिलती है रियल टाइम नोटिफिकेशन। मिलेंगे ऐसे ही किसी अच्छे इन्फॉर्मेटिव अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।